जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, पोको F2 इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं शॉमी 108 मेगापिक्सल का कैमरा स्मार्टफोन दिसंबर 2019 में इंडिया में लॉन्च करने वाला है और इसका ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है। जैसा कि कुछ दिन पहले मी सीसी 9 प्रो को चाइना में लॉन्च किया गया था और ग्लोबली इस स्मार्टफोन को मी नोट 10 करके लॉन्च किया गया था, और अब इसी स्मार्टफोन को इंडिया में शॉमी लॉन्च करने वाला है दिसंबर महीने में। और दोस्तों, शॉमी दुनिया का पहला इकलौता ऐसा कंपनी होगा जो भारत में 108 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में जान लेते हैं इसी 108 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन के हाइलाइटेड फीचर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड के बारे में। 6.47 इंच का फुल HD प्लस OLED पैनल दिया गया है, जहां पे आपको एक छोटा सा वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ ही आपको फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। और इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होगा वो कर्व शेप में आएगा, और इसी शॉमी का 108 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर दिया गया है। और चलिए आप बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो रियर साइड में आपको पेंटा कैमरा दिया गया है, जहां पे मेन सेंसर आपको 108 मेगापिक्सल का दिया गया है। और दोस्तों, यहां पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर मिल जाता है, और सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। उसके साथ ही आपको 5260 mAh का बैटरी दिया गया है, और चार्जिंग के लिए आपको USB-C टाइप मिल जाएगा, और बॉक्स में आपको 30W का चार्जर भी दिया गया है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को इंडिया में 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो दूसरा वेरिएंट होगा 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और तीसरा वेरिएंट होगा 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। और इसका जो बेस वेरिएंट होगा 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस हम उम्मीद कर सकते हैं कि 30,000 रुपए के अंडर में होगा। वैसे इस स्मार्टफोन को ग्लोबली जो है 40 से 45,000 रुपए के सेगमेंट में लॉन्च किया गया था, लेकिन हम इंडिया में जो प्राइस है वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में इस स्मार्टफोन को 27 और 28,000 के रेंज में लॉन्च किया गया था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शॉमी इस स्मार्टफोन को 30,000 के अंडर में ही इंडिया में लॉन्च करेगा। और इसी 108 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन का जो नाम होगा, अभी इसके बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि शॉमी मी नोट 10 करके इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दे, या फिर एज इट इज मी सीसी 9 प्रो करके भी लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, कई ऐसे रूमर्स हैं कि मी A3 प्रो करके लॉन्च करेगा, या फिर आपको मी A4 के नाम से लॉन्च कर सकता है। बाकी अभी नाम के बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन शॉमी की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है कि 108 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन इंडिया में दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। बाकी देखते हैं इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग और क्या इन्फॉर्मेशन आता है। और अब बात करते हैं पोको F2 के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो 108 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन शॉमी लॉन्च करने वाला है, यानी कि मी नोट 10, इस स्मार्टफोन को शॉमी पोको F2 के नाम से भी लॉन्च कर सकता है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शॉमी इसी 108 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन को पोको F2 के नाम से लॉन्च कर सकता है इंडिया में, या नहीं कर सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, एक गुड न्यूज़ और है कि Redmi K30 10 दिसंबर को चाइना में लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया गया है। बाकी देखते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन क्या निकल के आते हैं। अब तक जो बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको 7 सीरीज का कोई चिपसेट मिल सकता है, उसके साथ ही आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आ सकता है। बाकी देखते हैं क्या कुछ आता है निकल कर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।